हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 फ्रेंड्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, आपको और ना सही तो 99% इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग लाजमी आएगा। लॉन्ग आता है अक्सर, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। इस एक्सरसाइज में आपको दो मेथड दिए गए हैं, एक तो इन्वर्जन मेथड दिया गया है और दूसरा आपको क्रैमर रूल दिया गया है। हम दोनों ही मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट है। फाइंड आपने एक्स और वाई की वैल्यू ही करनी है। दोनों को समझिएगा, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। और इस एक्सरसाइज में तकरीबन 8 पार्ट दिए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वही रिपीट होते रहते हैं। तो आपने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, फर्दर भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपने बार बार इन क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इन्वर्जन मेथड पे। यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया देखा जाए तो वो आपको दिया गया है 2x माइनस 2y इक्वल टू है 4 और 3x प्लस 2y इक्वल टू है 6 के। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। अब आपने सिंपली करना क्या है, आपने सिंपली तो करना है कि सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स बनानी है जिसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कौन सी होगी, जो इन वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ दी गई हैं आपने सिंपली पहले तो वो लिख लेनी है, 2 माइनस 2 3 और 2। आपने सिंपली क्या किया है, ये माइनस है इसलिए एड एडिशन के साइन तो लगाने की साथ ज़रूरत नहीं है। चले ये ले, आपकी खुशी के लिए लगा ही देते हैं, ठीक है। माइनस टू था, माइनस टू लिया, कोएफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बना ली है। एक आपने कौन सी बनानी है, एक आपने बनानी है जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई। एक्स और वाई की मैट्रिक्स बन गई है और उसके बाद एक आपने बनानी है कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स। ये आपकी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, ये आपकी वो वैल्यूज़ कहलाएगी जिसकी आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ये आपकी कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसे नाम भी दे देने हैं। ए का नाम इसे दे दिया, एक्स का नाम इसे दे दिया और बी का नाम इसे दे दिया। लो जी, यहाँ तक अपनी बात बन गई है और यहाँ तक हमें समझ भी आ गई है कि हमने सिंपली क्या किया है। सबसे पहले तो कोएफिशिएंट की एक मैट्रिक्स बना ली है, फिर उसके बाद जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है उसकी, और हमने एक कॉन्स्टेंट की मैट्रिक्स बना ली है। अब सिंपली आपने क्या करना है, ये जो आपकी ए मैट्रिक्स है आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने नाम किस लिए दिए हैं, क्योंकि हमने इन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं और ऑपरेशन इस तरह से नहीं परफॉर्म होंगे जब तक इसे खास एक नाम नहीं दिया जाएगा इस मैट्रिक को। तो हमने इसे नाम भी इसीलिए दिए थे। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना, तो हज़ार बार पिछली प्रीवियस एक्सरसाइजेज में बता चुका हूँ आपको। आपने इसका सिंपली डिटर्मिनेंट लेना है, 4 + 6 हो जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 10 के। ये आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आया है। अब डिटर्मिनेंट आपने ले लिया है जो आपका 10 आया है, अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट भी ले लेना है इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का अब क्या करते हैं, एडजॉइंट लेने की कोशिश करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। जब हम ए का एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट लेते वक्त क्या हो जाएगा, 2 2। आपको पहले भी एडजॉइंट का तरीका बता चुका हूँ, आपने सिंपली क्या करना होता है, ये जो आपकी जो मैट्रिक्स है, ये जो डायगोनल एंटिटीज हैं, इनकी आपने करनी होती है प्लेस चेंज और इसका करना होता है साइन चेंज। यहीं पे आपने सिंपली यही किया है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये -3 का हो जाएगा। अभी तक हमने सिंपली क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट दिया है और डिटर्मिनेंट लिया है। लो जी, अब एक फार्मूला है जो आपको अपने जहन में बिठा लेना है, और वो फार्मूला आपका क्या है, ax = b। जो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ दी होंगी उसी के हिसाब से आपने फार्मूला लगाना है। ये ना हो यहाँ पे आपने b दिया हो, यहाँ पे आपने y दिया हो, यहाँ पे आपने z दिया हो और फार्मूले में ax = b लिखा हो। नहीं, यहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ दी हैं उन्हीं के हिसाब से आपने यहाँ पे फार्मूला लिखना है, ax = b हो गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं, और इसको भी जहन में बिठा लीजिएगा कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारी जो एक्स मैट्रिक्स है हमें उसको एक साइड पे करना पड़ेगा। हमने एक्स को एक साइड पे किया, चल भाई एक साइड पे हो जा तू। अब क्या करेंगे, ये जो ए है इसको कहेंगे भैया तू इधर आ जा, और जब भी आपको पता है कोई चीज़ इक्वल टू के इधर हो वो इधर वाली साइड पे आ जाए तो वो इन्वर्स हो जाती है। हमने ए का इन्वर्स कर दिया, बी को हमने कह दिया भैया तू वैसे का वैसे ही रहे। यहाँ पे क्या किया है, सिंपली ए का इन्वर्स,
बी कर दिया और एक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको दो लाइनें वैसे ही जहन में बिठा लेनी है आपने, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने डिटर्मिनेंट क्यों लिया है और जॉइंट क्यों लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास सबसे पहले बनी बनाई खीर पड़ी है, हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स और वाई जो हम पहले भी लिख के आए हैं, एक्स और वाई इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चले यहाँ पे दिख ही देता हूँ आपको। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका फार्मूला है ए इनवर्स का फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए, वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट लिखा गया ज़रा थोड़ा सा मार्कर की वजह से, ये थोड़ी सी इसकी बोल्ड ज़्यादा हो गया है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, इसी फार्मूले के जरिए इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट पहले तो वन लिखते हैं, फिर ए वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया है, टेन आया है, टेन लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकाला है, टू टू और माइनस थ्री और टू, ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बी की वैल्यू को लिखते हैं, बी की मैट्रिक्स आपकी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है, सिंपली ये लिख दी। अब आपने क्या करना है, अभी तक यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले तो ए इनवर्स का फार्मूला लगाया, वो क्या था, वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक हो गया। उसके बाद हमने बी को इसके साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, और जो एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है वो हमने ए साइड पे कर ली है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसको पहले सबसे पहले तो इस पे मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करना है इन दोनों पे। जब आप इस पे मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन आपने मल्टीप्लीकेशन का रूल अप्लाई लाजमी करना है फ्रेंड्स। तो माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, ये आपका प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। मल्टीप्लीकेशन आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट मैंने इसको एडिशन पे ले आया हूँ। अब आपने सिंपली क्या करना है, इसकी एडिशन कर देनी है, सब्ट्रैक्शन कर देनी है, वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब आपने 1 ओवर 10 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। जब आप 1 ओवर 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 और 0, और यही आपकी x और y की, x और y साफ वैसे लिखते चले आप, x और y इक्वल टू, अब आप क्या हो गया, ये आपकी x की वैल्यू भी आ चुकी है, ये x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू आ चुकी है। सिंपली आपने इन्वर्जन ऑफ अ मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, पहले तो वैल्यूज़ को नाम दिए, मैट्रिक्स को नाम दिए, नाम देने के बाद ए का डिटर्मिनेंट दिया, ए का एडजॉइंट दिया, एडजॉइंट लेने के बाद फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद एक्स के वेरिएबल को एक साइड पे किया जो हमने फाइंड आउट करने थे, दूसरों को एक साइड पे किया, और इसके बाद हमने सिंपली उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया। यह था आपका इन्वर्जन का मेथड। आज हमने इन्वर्जन का मेथड डिस्कस किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा मेथड क्रैमर रूल, इसी क्वेश्चन का क्रैमर रूल डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करने की कोशिश करें और दूसरे क्वेश्चन को भी इसी मेथड के जरिए करने की कोशिश करें। आई होप सो आपसे लाजमी हो जाएगा, हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना मैं तो हाजिर हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।